पीरियड्स को लेकर लड़कियों में, किशोरियों में बहुत से सवाल होते हैं, जिनके जवाब ना मिलने पर या ढूंढने में वो अपनी जिंदगी के सालों लगा देती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम उन 5 सवालों पर किसी एक्सपर्ट से बात करें जिनके जवाब अक्सर लोग पूछते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नूपुर गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं ओबी और गायनी डिपार्टमेंट की फोर्टीज गुड़गांव में। हम अपना पहला सवाल लेते हैं कि आखिर पीरियड्स क्या है, पीरियड्स क्यों होता है, पीरियड्स किसी महिला को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे किसी महिला के शरीर को, उसकी सेहत को पीरियड्स इफेक्ट करते हैं, ये बात बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर इस पर जरा प्रकाश डालें। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मीनार हर महिला में या हर लड़की में अलग उम्र में शुरू होती है, पर जो कॉमन एज ग्रुप है वो 9 से 16 वर्ष के बीच में है। अगर 9 से जल्दी हो उसको अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं, 16 तक अगर ना हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है और उसका कारण जानना जरूरी है। तो जब भी गर्लहुड टू वुमनहुड या चाइल्डहुड टू एडल्टहुड का फेज है, उसी समय महावारी शुरू होती है। और इस प्यूबर्टी के 3 स्टेजेस होते हैं, थीलार, प्यूबार और मीनार्क, यानी कि सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिर हेयर और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 3 से 5 दिन को हम नॉर्मल मानते हैं। पहले दिन से शुरू होके अगले महीने के पहले दिन तक वो आपका ड्यूरेशन है, या वो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है कि वो कितने दिन में होता है। अगर 21 से 35 दिन में है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। यदि 21 दिन से कम और 35 दिन से ज्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। इसको हम कहते हैं इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली जब भी महावारी शुरू होती है तो शुरू में इररेगुलरिटी कॉमन है, कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है उसको स्टेबिलाइज होने में। तो आपको इस जानकारी के बाद ये मालूम होना चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर को कब दिखाना है। यदि बहुत दर्द हो, यदि जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो, या वो बहुत लंबे समय चले, या एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत ही फ्लू कम है, या फिर महावारी शुरू होने से पहले बूंद बूंद करके आपको ड्रॉप्स आते हैं जिसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, या फिर इस इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन के साथ वजन बढ़ता है, एक्ने भी बढ़ता है, तो आप डॉक्टर को जरूर। डॉक्टर एक सवाल हमारे पास है कि जो काफी पूछा गया है, क्या पीरियड्स को डिले करने वाली दवाइयां ली जा सकती हैं? ये कितनी असरकारी हैं और किस तरह से काम करती हैं? बाजार में मौजूद दवाएं जो पीरियड को डिले करने या पीरियड को उसके वक्त से पहले लाने के लिए जो दवाएं बाजार में मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स गर्ल्स, स्कूल, कॉलेज गर्ल्स, इवन मैरिड औरतें भी जिनका इस्तेमाल खूब करती हैं, वो आपके शरीर पर किस तरह से असर कर सकती हैं और वो काम किस तरह से करती हैं? ऐसा नहीं है कि हमें डिले या प्रीपोन करने से कोई नुकसान है, लेकिन जरूरत से ज्यादा और हर बार अपनी कन्वीनियंस के लिए ये करना सही नहीं है। कुछ हार्मोन पिल्स दी जाती हैं टू प्रीपोन या पोस्टपोन, बट आपको विदाउट मेडिकल सुपरविजन ये गोली नहीं खानी चाहिए। कई बार ओव्यूलेशन हो जाता है और क्या पता उस साइकिल में प्रेगनेंसी ठहरने वाली हो और आपने पिल खा दी टू डिले या प्रीपोन योर साइकिल, और उसकी वजह से अगर आपको महावारी नहीं हुई तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। हम समझ सकते हैं कि आपको प्रीपोन या पोस्टपोन करना पड़ता है जबकि आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई इवेंट है, या आपकी खुद की शादी है, या कोई फैमिली वेडिंग है। ये सब चीजें हमें समझ में आती हैं, पर मेडिकल सुपरविजन में अगर ली जाएगी तो आपके लिए सेफ। डॉक्टर एक सवाल हमसे कई बार पूछा गया है जो पीरियड्स और प्रेगनेंसी को लेकर है। ये सवाल है कि कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है पर फिर भी वो नियमित रूप से अपनी माहवारी को देख रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या ये उसके लिए खतरनाक है? इससे वो किस तरह से डील करे? ये सच है कि 20% ऑफ प्रेगनेंसीज विल ब्लीड सम टाइम और अदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना हेल्दी नहीं है, आपके लिए भी और आपके न्यू बॉर्न के या अनबॉर्न बेबी के लिए भी। अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है इसको हम कहते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन, और ये रिस्क बढ़ाता है ऑफ नॉट ओनली अबॉर्शन पर प्रीमैच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट बेबी की। तो
तो मुख्यतः प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के दो ही कारण है, या तो लो लाइंग प्लेसेंटा है जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, या वासा प्रीविया, या फिर रिट्रोप्लेसेंटल कलेक्शन ऑफ ब्लड जिसको हम कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटल। तो ये डायग्नोस किया जाता है विद एन अल्ट्रासाउंड। साथ ही साथ आपका डॉक्टर कई बार आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, इंटरनल या परस्पेक्युलम एग्जामिनेशन करके देखना चाहते हैं कि उसका कारण सर्वाइकल इरोजन, फाइब्रॉइड पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप या कुछ और वेजाइना या वल्वा में कोई लीजन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो कोई भी ब्लीडिंग चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, आपको इसे इग्नोर नहीं करना है और ब्लीडिंग को इवेल्युएट करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है वो आपके आंवल नाल या आपके प्लासेंटा के द्वारा ही होता है। तो यदि प्लासेंटल कॉज ऑफ ब्लीडिंग है तो उसका सही इलाज या सही समय पर दिखाना। डॉक्टर नूपुर, एक सवाल हमारे पास किशोरियों से बहुत आया है जिसको लेकर वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनका सवाल है कि इरेगुलर पीरियड्स क्या है, उन्हें कैसे समझ आए कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ये वो वक्त है जब वो जाकर किसी डॉक्टर से मिले, या नॉर्मल है या क्या है। मतलब इतना कंफ्यूज है किशोरियां इस चीज को लेकर कि उनके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, क्या 2 दिन पहले आना या 2 दिन बाद आना इरेगुलर पीरियड्स माने जाएंगे। आप थोड़ा इस पर गाइड करें। यदि आपकी साइकिल 21 दिन से पहले और 35 दिन से लेट होती है, इसी को हम इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और इसके मुख्य कारण यूजुअली हार्मोनल इंबैलेंस होता है, या थायराइड इशू हो, हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक्सेस होना, ये सब कारण एक मुख्य कारण है फॉर इरेगुलर साइकिल्स। उसके अलावा यदि आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत ज्यादा आपकी डाइट है, या फिर बहुत कम डाइट है, या आपने एक्सट्रीम डाइटिंग करी है, तो ये भी एक कारण है जिससे कि पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। नॉर्मली जब आपकी महावारी शुरू होती है मीनार्क के समय, या जब खत्म होने वाली होती है मीनोपॉज के समय, उस समय इरेगुलर पीरियड 1 से 1.5 साल तक होना उसको हम नॉर्मल मानते हैं। पर कभी कभी फाइब्रॉइड की वजह से, ओवेरियन सिस्ट की वजह से, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस, ये कुछ कारण और भी हैं जो इरेगुलर साइकिल करते हैं। और यदि ऐसा आपके साथ होता है और 3 महीने से ज्यादा आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। हमारी एक बहुत पुरानी दर्शक हैं जो हमसे ये सवाल लगातार बार बार कई बार पूछ चुके हैं, और उनके अलावा भी ये सवाल हमारे पास बहुत आया है जो पीरियड से रिलेटेड है। वो ये कि महिलाएं ये जानना चाहते हैं कि क्या माहवारी के दौरान, मासिक धर्म के दौरान, जिस वक्त ब्लीडिंग हो रही हो, आपका मासिक धर्म चल रहा हो, ड्यूरिंग योर पीरियड्स आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, क्या ये सेफ है, ये किसी तरह के बीमारी के खतरे को या बीमारी को निमंत्रण तो नहीं देता है। पहले हम फायदे की बात करेंगे। तो इस समय पर इंटरकोर्स होने से जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो मूड एलिवेशन का भी ये काम करता है, सेक्स ड्राइव इम्प्रूव, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कम हो जाता है, और जो फ्लो है या क्रैम्प्स हैं वो भी कम होते हैं क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑर्गेजम की वजह से। साथ ही साथ जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुअल माइग्रेन होता है, ये उसके लिए भी हेल्पफुल है। अगर आपको ये चीज मैसी नहीं लगती तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। पर इसका रिस्क क्या है? इसका रिस्क ये है कि इंफेक्टेड मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, HIV, इन सब का रिस्क बढ़ा देता है। साथ ही साथ यदि आपका अपने पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन है, तो ये सब चीजें आप पहले डिस्कस करिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है। और हम ये आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि एक दूसरे का प्रोटेक्शन हो सके। हालांकि जो नेचुरल ब्लड है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो नेचुरल लुब्रिकेशन का भी काम करता है। तो जिन महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस है उनको इसमें कई बार आराम भी मिलता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इस समय पर सबसे ज्यादा। शुक्रिया डॉक्टर।